नाश्ता करें। नाश्ते में भाई पराठा और छोले, तो जल्द से जल्द करते नाश्ता सिंपल होता है। और एक बार यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी थी जुम्मे की, क्योंकि तब मैं यहाँ पे रहता था, तो सामने वाली बिल्डिंग में जो है ना मेरा दोस्त जॉब करता है, और रिपोर्ट भी ले लिए, लड़का अल्हम्दुलिल्लाह फिट है और बहुत खुशी हो रही है। तो अभी चलते हैं भाई फिर से कैंट पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अभी अभी हम नींद से उठे और अभी फ्रेश हुए और सुबह का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं बाहर से। वाह वाह वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से भी देख लो। यहाँ से तो धूप है ना, इस वजह से कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। और अभी अभी हम नींद से उठे, फ्रेश व्रेश हुए और अब जल्द से जल्द करेंगे नाश्ता और देन जाएंगे वहाँ पर जो हमारा काम है। तो बिल्कुल फ्रेश हो गए, सेटिंग वेटिंग कर लिए, बाबा बेस्ट वेस्ट नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो लड़के को भेजा था नीचे कोलगेट लेने को, तो वापस अभी आया है, तो अभी अभी कोलगेट किए, तो अभी जा रहे हैं हम नीचे। तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हम फोर्थ फ्लोर पे रुके हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना ऊपर नीचे आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये देखो ना बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ। तो जल्द से जल्द चलते हैं भाई नीचे, करते हैं नाश्ता, तो देन आप लोगों से मिलते हैं। और नाश्ता भी ज़रूर दिखाएंगे यार आप लोगों को, क्यों नहीं दिखाएंगे। तो फोर्थ फ्लोर पर हम रुके हैं बाबा, फोर्थ फ्लोर पे क्या करें बाबा, नीचे कोई कमरा ही नहीं था, तो इस वजह से हमने कहा भाई फोर्थ फ्लोर पर ही दे दो, क्या मसला है। हम बैठे हुए नीचे होटल के जो है ना, एक छोटा सा होटल है, ढाबा है, जहाँ पर हम नाश्ता करें। नाश्ते में भाई पराठा और छोले, तो जल्द से जल्द करते नाश्ता सिंपल होता है। और चाय भी अभी नहीं मंगवाई, चाय भी मंगवा के पहले खाते हैं पराठे, देन चाय भी मंगवाते हैं। अभी हम जा रहे हैं भाई ऑफिस एजेंसी, जहाँ पर हम वहाँ से रसीद लेंगे, देन उसके बाद जो है ना फिंगर्स वाले ऑफिस जाएंगे, क्योंकि भाई के फिंगर्स भी आ जाने, तो इस वजह से एजेंसी थोड़ी सी दूर है, इस वजह से पैदल जाते हैं, वरना जो है ना रिक्शा लेना पड़ता है। तो ज़्यादा दूर होता है तो रिक्शे पर जाते, अगर थोड़ा सा दूर हो जाए तो जो है ना बस ऐसे पैदल ही घूम लेते। गरीब बंदे बाबा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो बार बार रिक्शा ले, रिक्शा तो नहीं ले सकते ना, गरीब बंदे बिल्कुल। तो जा रहे एजेंसी, जैसे वहाँ से रसीद लेते हैं, देन उसके बाद फिंगर्स की ऑफिस चलेंगे। पहुँच गए हैं भाई फिंगर्स वाली ऑफिस में, और ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं लोग, हम भी मुसलमान हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन जो है ना हमारा टाइम नहीं होता, जब हम आते हैं ना तो सुबह सुबह का टाइम होता है, इस वजह से नमाज़ नहीं पढ़ पाते। एक बार यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी थी जुम्मे की, क्योंकि तब मैं यहाँ पर रहता था, तो सामने वाली बिल्डिंग में जो है ना मेरा दोस्त जॉब करता है, तो इस वजह से जो है ना उसके साथ आया था, तो सारा दिन उसके साथ ही था, तो नमाज यहाँ पर पढ़ने आए थे। तो ये ऑफिस है बहुत बड़ा, फिंगर्स वालों के लिए जो दूसरी कंट्री में जाते हैं लोग, उनके लिए। तो अभी इस लड़के को लाइन में खड़ा करते हैं, क्योंकि हर जगह भाई लाइन इतनी लाइन है ना, इतने लोग जो है ना पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इतने जा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, सोच से भी बाहर, इतने बंदे ज़्यादा जा रहे हैं। आधा घंटा हो गया यार, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा बंदा जो है ना बाहर खड़ा हुआ है, वो नज़र आ रहा है, होगा ये उंगली इस तरफ आ, ये वाला, ये जो लड़का नज़र आ रहा है ना, ये अभी तक खड़ा हुआ है, और आधा घंटा हो गया, अभी भी बाहर है। अभी जब अंदर जाएगा देन उसके बाद पता चलेगा कि भाई कितना टाइम लगेगा,
और कल की मेडिकल की रिपोर्ट भी नहीं आई है, तो वो भी जो है ना जाकर उठानी पड़ेगी। तो कराची इतना आना आसान नहीं है भाई। जो लड़के बोलते हैं भाई मेडिकल के लिए जा रहे हो, बहुत इंजॉय करोगे, इंजॉय इंजॉय कुछ नहीं होता भाई, बहुत टेंशन होता है, बहुत यानी कि होती हैं मजबूरियाँ होती हैं, कभी कहाँ गए कभी कहाँ गए, पैदल भी घूमना पड़ता है भाई, क्या करें। कराची के शहर में भी पैदल तो क्या करें। बिल्डिंग बहुत अच्छी है वैसे, व्यू इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने टिकटॉक भी एक दो बनाए हैं, वो भी अपलोड कर दूँगा आज ही के आज ही दिन। तो वेट करते हैं भाई इसका, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बाहर खड़ा हुआ है। असल में मसला ये था ना, 5-6 महीने जो है ना फिंगर्स जो है ना बंद थे दूसरी कंट्रियों वाले, तो इस वजह से जो है ना मौसम भी यार आज बहुत प्यारा है। ये देखो धूप भी नहीं है बिल्कुल, वाह 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 क्या ही बात है, वाह वाह क्या ही बात है बाबा। तो मौसम भी सही है और 5 महीने बंद थे ना, तो इस वजह से पूरे मुल्क में बंदे रुके हुए थे। अब जैसे फिंगर्स ऑन हुए हैं दूसरी कंट्रियों के लिए, तो अब जो है ना बंदे जा रहे हैं, बिल्कुल इतने बंदे जा रहे हैं ना, इतने बंदे जा रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन में जो है ना 1000 से ऊपर, 2000 3000 से ऊपर जो है ना मुल्क से बाहर जा रहे हैं लड़के, जो न्यू जनरेशन के, हमारी उम्र के या हम उनसे थोड़े से बड़े या हमसे थोड़े से छोटे, वो इतने जा रहे हैं ना, इतने जा रहे हैं मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये बस हमारे हुक्मरानों की दुआ है, भलाई है कि जो है ना हम दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं कमाने के लिए, क्या करें भाई। बाहर खड़े खड़े बहुत थक गया था, तो इस वजह से अभी कैंटीन में आया हूँ, तो चाय भी आ गई, तो जल्द से जल्द पीते चाय। और भाई अभी तक नहीं निकला, 2 घंटे हो गए उसको, अभी पता नहीं किस टाइम निकलेगा, क्योंकि उसके पास मोबाइल भी नहीं है, ये भी थोड़ा मसला है, तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी जैसे नज़र आएगा बट नंबर तो उसके पास है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं है, बिल्कुल सादा बन रहा है भाई। बंदों का इंतज़ार कर कर के इतना थक गए, एक टाइम हो गया और अभी हम पी रहे हैं भाई फालूदा, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, तो इस वजह से वो बंदे तो इसी में बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ धूप में मर रहे हैं, तो जल्द से जल्द पीते हैं भाई फालूदा। भाई 2-3 घंटे के बाद अभी ये निकला है, अभी हो गया भाई 3 टाइम, तो एक हम तो 9 बजे से इसका वेट कर रहे थे, ये अभी निकला। देन उसके बाद हम आए शरा फैसल पे, जहाँ पर हमारी जो है ना मेडिकल थी कल, तो वहाँ से रिपोर्ट लेने आए थे, क्योंकि कल रिपोर्ट नहीं लेके गए थे, और अभी अभी हम आए वहाँ पे और रिपोर्ट भी ले लिए। लड़का अल्हम्दुलिल्लाह फिट है और बहुत खुशी हो रही है। तो अभी चलते भाई फिर से कैंट पे, वहाँ पे खाना भी खाएंगे, एजेंसी वाले से मिलेंगे, ये पासपोर्ट और जो भी सामान है वो सब जमा करवाएंगे, देन उसके बाद हम आज़ाद रात को फिर वापसी गांव। तो एजेंसी से भी फारिग हो गए हैं और अभी हम आ गए हैं भाई लंच करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, रास्ते पे चल रहे थे हम सारा दिन, तो अभी बिरयानी आ गई है, तो जल्द से जल्द लंच करते हैं, बिरयानी खाते हैं बाबा। हम तो यहाँ पर रूम पर काफ़ी टाइम से आ गए और बस ऐसे ही जो है ना थके हुए थे, तो इस वजह से मैं जो है ना सो गया था और अभी अभी नींद से उठा हूँ। और अभी टाइम हुआ है भाई, इतना टाइम हुआ है, जो भी टाइम हुआ अभी व्लॉग बन रहा है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टाइम बहुत हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल से 1-2 घंटे रहते हैं, देन उसके बाद जो है ना हमारी ट्रेन की टिकट है, तो हम वापस गांव जाएंगे। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ खिड़की पे, क्योंकि कराची का मज़ा ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि कोई गाड़ियाँ आ रही हैं कोई जा रही हैं, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, हवा भी लग रही है बहुत अच्छी, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। कहीं गए नहीं घूमने, सीयू में भी नहीं गए और अब्दुल्ला शाह गादी में भी नहीं गए, क्योंकि जो मेरे साथ बंदा है वो बिल्कुल बिल्कुल मुझसे भी ज़्यादा गरीब है, तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको ज़्यादा खर्च नहीं करवाया, जो भी नॉर्मल काम हो रहे थे वही करवा रहा था, बस ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने दे रहा था। हाँ ट्रेन अच्छा, यहाँ से ट्रेन के स्टेशन भी बिल्कुल नज़दीक है ना, ये ट्रेन के स्टेशन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो वाली मस्जिद नज़र आ रही है ना आप लोगों को, वो वाली, तो ये स्टेशन। तो हम कैंट पे रुके हुए हैं, तो अभी फ्रेश व्रेश होंगे, देन उसके बाद जो है ना हम नीचे जाएंगे और उसके बाद जो है ना जाएंगे भाई घर अपने। अभी हम जा रहे हैं वापस
घर और टाइम हो गया भाई 6:40। हमने 3 घंटे 4 घंटे इधर ही बिताए, 3 घंटे क्योंकि 3:30-4 बजे तो वहाँ से आए थे ना, 2.5 घंटे या 3 घंटे हमने यहाँ पर बिताए इसी रूम में। तो अभी जो वो ये लास्ट इस खिड़की से लास्ट बार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इस कमरे को छोड़ रहा हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। और ये व्यू देख सकते हो आप, तो इस व्यू को मैं बहुत बहुत मिस करूँगा। तो चलते हैं भाई घर अपने। ये कहाँ गया? वॉशरूम में गया। चलो सीखे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है और काम भी सारे कंप्लीट हो गए और रूम का टाइम भी बस 15-20 मिनट में ख़त्म होने जा रहा है। तो देख तो भाई वो उठाएगा, तो चलते हैं बाबा सीधा बाहर। भाई अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके हम अपने NIC जो है ना वापस लेंगे, क्योंकि NIC जमा करते हैं ना जब हम यहाँ पर रहते हैं, तो इस वजह से वो NIC सेफ्टी के लिए मांगते हैं, क्योंकि होता है ना काफ़ी लोग घर से भागे हुए हैं या फिर बहुत सारे मसले होते हैं, तो इस वजह से। तो भाई जल्द से जल्द चलते हैं नीचे, NIC लेते हैं, देन चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन। ये व्यू है भाई यहाँ का, ये व्यू, वाह 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 वाह। ये भाई पीछे पीछे आ रहा, ये कह रहा है कि मुझे भी व्लॉग में लो। तो बहुत ज़्यादा अभी व्लॉग में आ गया है, लेकिन इसको पता नहीं है कि क्या मसला है। तो भाई ये मस्जिद थी जो वहाँ खिड़की से नज़र आ रही थी, बहुत अच्छी मस्जिद है। और अभी हम स्टेशन के अंदर इन हो गए, अभी जा रहे हैं, देखते हैं किसी से सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं। भाई इसमें टाइम जो है ना 7:50 लिखा हुआ है टिकट के ऊपर, और गाड़ी जो है ना जिससे हम टिकट खरीदी थी उसने कहा था कि 7 बजे। अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो टाइम नहीं पता मुझे। तो इस वजह से हम पहले 7 से पहले जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं जैसे पूछते हैं, देन आप लोगों से बताते हैं कि क्या सीन है। अगर लेट होगी 8 बजे होगी तो फिर जो है ना वापस जाएंगे शाम का खाना वाना खा के, देन उसके बाद जो है ना गाड़ी में बैठेंगे। अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं बस, ना चाय पिए ना कुछ किया है, ऐसे डायरेक्ट जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जो टिकट पे लिखा हुआ था टाइम वही टाइम था भाई, उसने जो टाइम बताया था जिससे हमने टिकट निकलवाई थी वो बिल्कुल गलत बताया था उसने, 1 घंटा पहले बता दिया। अभी गाड़ी आएगी 7:40 पे आएगी, 7:50 पे रवाना होगी यहाँ से कराची से, और हम जो है ना पहुँच गए थे 6:50 पर, यानी कि 1 घंटा अभी भी पड़ा था। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार डिनर कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में तो हम नहीं करेंगे ना, तो इस वजह से अभी आए होटल में, मोबाइल भी चार्ज लगाते हैं क्योंकि मोबाइल में चार्ज बिल्कुल कम है, और 1 घंटा तो वैसे ही हमारे पास है ना, तो 30-40 मिनट हम यहाँ बैठते हैं, देन उसके बाद चलेंगे फिर से स्टेशन पे। तो अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है, जैसे खाना आता है खाना खाते हैं बाबा। खाना भी आ गया है भाई, और मैंने मंगवाया स्पेशल रायता, क्योंकि रायता मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन ये ठंडा नहीं है, ठंडा होता है ना बहुत मज़ा देता है, अभी पता नहीं कैसा है, वो तो खोलेंगे जब खाएंगे तब पता चलेगा। और हमने सालन में मंगवाए भाई ये दाल, चने की दाल। हम गरीब है बाबा, गरीब है। अभी एक कमेंट आया YouTube पर कि गरीब गरीब कहना छोड़ दो, वो तो मुझे पता है मेरे हालात जो चल रहे हैं अभी इसी टाइम, तो वो मुझे पता है ना कि मैं कितना गरीब हूँ या कैसे चल रहा हूँ, मेरी लाइफ कैसे गुजर रही है, तो वो तो मुझे पता है, आप लोगों को तो नहीं पता ना। वो तो बस क्या करें जी, ये अल्लाह की मर्जी है जैसे बंदे को रखे। तो हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि जो ना हमें ऐसा काबिल बना के अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके, किसी के मोहताज ना बनाए, बस यही अल्लाह से हम दुआ करते हैं। तो जल्द से जल्द करते हैं डिनर। तो हम बैठ गए भाई गाड़ी में, और ऊपर छत जो है ना बिल्कुल नज़दीक है, तो सिर्फ सोने की जगह है, बाकी ये भाई जो है बिल्कुल आसान पड़ा हुआ है, ये देखो नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल सो रहा है अभी से। अभी तो सिर्फ जो है ना 8 होने वाले हैं अभी, और मसला ये है कि जो ना गाड़ी अभी तक चली नहीं, बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो
जगह बहुत थोड़ी है भाई, इतनी जगह थोड़ी है, बैठ भी नहीं सकता बंदा, ऐसे ऐसे जो है ना बैठ सकता है या फिर सो सकता है, सोऊंगा तो जो है ना अंधेरा हो जाएगा इस वजह। हाँ इस साइड पे, इस साइड पे सुधरा है, लेकिन यहाँ से फैमिली आ वैमिली आप गुजरेगी तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि न्यू गाड़ी है ना, तो इस वजह से ये मसला हो रहा है। अभी हम पहुँच गए भाई हैदराबाद 2-2.5 घंटे के बाद, क्योंकि ट्रेन है भाई धीरे धीरे चलती है, तो फिर भी सही पहुँचा है 2-2.5 घंटों में, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, और कोटड़ी भी रुकी थी ना तो इस वजह से, और कराची में भी दो तीन स्टेशन वहाँ पे भी हैं, तो इस वजह से जो ना गाड़ी रुकती रुकती चल रही है। तो अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करेंगे, कि उम्मीद है कि हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल वाले व्लॉग के साथ गाँव पहुँच कर, तो दुआ में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।